नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर, जहां पर मिलता है इंटरनेशनल अपडेट और डिफेंस अपडेट लेटेस्ट खबर। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में चीन, पाकिस्तान और ताइवान से कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहे हैं, तो उसके बारे में बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड खबर से। तो चलिए आते हैं अपने मेन खबर पर। तो पहला खबर निकल कर आ रहा है चीन से, जहाँ पर चीन की कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली रणनीति को अफ्रीका के देशों में तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अफ्रीका के कई देशों ने चीन की परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जबकि कई दूसरे देश समीक्षा कर रहे हैं। चीन इन देशों को वेल्ट एंड रोड इनोवेशन के जरिए कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश में जुटा था। इतना ही नहीं, चीन अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अफ्रीका देशों के संसाधनों का खूब दोहन भी कर रहा था। आप जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि चीनी कंपनियां न केवल प्राकृतिक बल्कि मानव श्रम के जरिए भी अफ्रीका के दोहन में जुटी हुई थी। वहीं सिंगापुर पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनियां घटिया काम अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में सत्तारूढ़ी व्यवस्था के लिए तनाव का स्रोत बन गया था। इससे उभरने के लिए कई देश चीन के साथ किए गए सौदे की समीक्षा में जुटे हुए हैं। वहीं चीनी कंपनियां सौदे के नियमों को भी मानने से इनकार कर रही है। वे लगभग सभी प्रोजेक्ट या तो लापरवाही बरत रहे हैं या फिर उनको लंबित छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अफ्रीका में एक देश है केन्या, जो पिछले साल जुलाई में केन्या ने चीन को बड़ा झटका दिया था। केन्या की हाई कोर्ट ने स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन के निर्माण के डील को रद्द करने के आदेश दिया था। चीन और केन्या के बीच इस डील की कुल कीमत $3.2 बिलियन के आसपास बताई जा रही थी। वहीं इस बार अफ्रीका देश धाना ने भी हाल में ही बीजिंग एरोबेटिक ट्रैफिक एंड लाइट टेक कंपनी के एक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। यह कंपनी धाना में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाली थी। वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है ताइवान से, जहां पर 23 सितंबर यानी बृहस्पतिवार को चीन ने ताइवान को डराने या अपनी ताकत दिखाने के लिए 19 लड़ाकू विमान भेजा है, जिनमें से कुछ न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर भी थे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो चीन विमान ताइवान के डिफेंस जोन में घुसे थे उनमें से 12 J-60 और 2 J-11 था, और बम बारसक के साथ पनडुब्बी रोधी विमान भी शामिल था। आपको बता दें कि चीन ने इस साल करीब हर रोज अपने लड़ाकू विमान भेजकर ताइवान को डराने की कोशिश की है। आपको बताते चले कि ताइवान और चीन 1949 में गृह युद्ध के दौरान अलग हो गए थे, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान अब भी उसका हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में ताइवान की भागीदारी का विरोध करता है। ऐसे में भारत भी चाहे तो वह दावा कर सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।